Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर हम जो भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं, और ये हमारा जो वीडियो है, बेसिकली वीडियो सीरीज़ जो है, काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो आपका डेथ इन्वेस्टिगेशन वाला पोर्शन था हमने वो कवर किया था, उसके बाद में काफ़ी और सारी चीज़ों को कवर किया हुआ था, इंजरीज़ का पोर्शन पूरा डिटेल में कवर किया हुआ था. अब जो है हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, एंड बेसिकली बीच में आपका नेट का एग्जाम भी था, तो उस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल रही थी, ताकि आप लोग अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर सको, क्योंकि बीच बीच में वीडियोज़ आते हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है. सिलेबस क्वेश्चंस के आपको वीडियोज़ आ रहे थे, तो उम्मीद करती हूँ आपका पेपर भी काफ़ी अच्छा गया होगा. आंसर शीट आ चुकी है, आप लोगों ने मैच करा होगा, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आप लोगों के आ रहे होंगे. बहुत सारे नए बच्चे जुड़ रहे होंगे, उन लोगों के लिए कि आपका पास अभी बहुत अच्छा टाइम है. अभी नेक्स्ट आपका फिर से इसी ईयर का दोबारा आपका एग्ज़ाम होता है नवंबर दिसंबर के आसपास, तो उसके लिए आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन का टाइम है. अच्छे से स्टार्ट करिए पूरा एंथुसियाज्म के साथ में, ताकि आपका पेपर इस बार वाले में अच्छे से क्लियर हो सके. ठीक है, जल्दी ही आंसर की आ जाएगी, तो जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके भी रिजल्ट्स जल्दी ही आने वाले होंगे. तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. बेसिकली मैं बता दूं कि हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली जो आपका एस्फिक्सिया रहता है वो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है. बेसिकली एस्फिक्सिया डेथ्स जो रहती हैं वो काफ़ी अलग अलग टाइप की रहती हैं, उसके बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मोड्स होते हैं. तो यहाँ पर इस सीरीज़ में हम बेसिकली एस्फिक्सियल डेथ के बारे में डिस्कस करेंगे. अब ये जो आपका टॉपिक है आपके नेट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में दो तीन क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, मैच दी कॉलम के फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में, अजर्शन रीज़न के फॉर्म में. तो काफ़ी सारे अलग अलग तरह से आपको इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये वाला टॉपिक बहुत ही डिटेल में करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए जितने भी इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं जहाँ पर आपका एस्फिक्सिया का पोर्शन दिया होता है, तो वो सारे ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेस से जो भी आपका इम्पॉर्टेंट कंटेंट रहता है वो सारा समराइज करके आपको यहाँ पर वीडियो के फॉर्मेट में मिलेगा. जैसे कि अभी तक आपको पता है कि वही सारी चीज़ें अब तक हो रही थी, वही चीज़ आपकी ये एस्फिक्सियल डेथ वाला जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही हाई लेवल तक जाएंगे, और बेसिकली ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, इसलिए आपको चीज़ें बताने में थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूँ. बट यूजुअली जो भी वीडियोज़ होते हैं आप लोग को पता होगा कि आपका सीधे एक्सप्लेनेशन से ही स्टार्ट होता है एंड एक्सप्लेनेशन पर ही एंड होता है. बहुत ही कम टाइम मैं आपका वेस्ट करती हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली बेसिक चीज़ें बतानी थी इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टाइम लिया, एंड अभी स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली जो हम आपके एस्फिक्सियल डेथ्स का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा, जहाँ पर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, ये तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. और जो आपकी बेसिकली प्रेजेंटेशन रहती है ये जो PDFs हैं PDF के फॉर्म में आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ नीचे दे रखी है. उसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारी यहाँ पर ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हो. उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो. ये आपके सामने वेबसाइट की लिंक लिखी हुई है. प्रेजेंटेशन के लिए प्लीज़ आप लोग हेडेक मत लीजिएगा, वो सारी ही आपको कंपाइल फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. कोई भी तरह का आपको पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं. और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एस्फिक्सिया है इसका क्या मतलब होता है, तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में कि जब भी आपकी जो ब्रीदिंग वाला फिनोमेना होता है, यानी कि जो रेस्पिरेशन वाला आपका सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी पल्स नहीं आ रही होती है, कोई भी ब्लड का फ्लो बेसिकली उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि ब्लड को फ्लो के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ही आपके सारे टिश्यूज़ में चाहिए, तो उसके लिए ऑक्सीजन का इनटेक होना बहुत ज़रूरी होता है. और जहाँ पर भी किसी भी वजह से अगर ऑक्सीजन का इनटेक जो है या ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रुक रही है बाय एनी मीन्स, बाय एनी मेथड, तो वहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं एस्फिक्सिया. एस्फिक्सिया लिटरली इसका जो मीनिंग होता है नो पल्स या फिर पल्सलेसनेस. ठीक है, अब यहाँ पर जो लो ऑक्सीजन है या फिर ऑक्सीजन का इनटेक नहीं हो पा रहा है या फिर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है
या फिर ऑक्सीजन आपने इनटेक तो कर लिया बट बॉडी उसको जो है कंज्यूम नहीं कर पा रही है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको यूज़ नहीं कर पा रही है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है ए टू जेड। क्या होगा वो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिंपल सा इतना मतलब है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है किसी भी वजह से, तो वो आपका कहलाएगा एस्फिक्सिया। अब यहाँ पर जितना भी मैं समझा रही हूँ वो सारा वर्ड टू वर्ड लिखा भी हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं, तो प्रॉपर डेफिनेशन में क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ड्यू टू इम्पेयर्ड और एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 ऑन अ वेंटिलेटरी बेसिस लीडिंग टू डेथ। तो जब भी कोई भी एस्फिक्सिया की कंडीशन हो रही है उसकी वजह से अगर कोई डेथ हो रही है तो उस चीज़ को हम बोल देंगे एस्फिक्सियल डेथ। ठीक है, तो एस्फिक्सिया क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाना, ऑक्सीजन जो है प्रॉपर तरह से ब्लड एंड टिश्यूज तक ना पहुंच पाना, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, वो हो गया आपका एस्फिक्सिया। और जब ये सारे रीज़न की वजह से किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हो रही है तो उसको हमने टर्म दे दिया एस्फिक्सियल डेथ्स। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर एस्फिक्सिया में अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे कि वो हो गया आपका हाइपोक्सिया, जिसको कि हम सबॉक्सिया भी बोलते हैं, एनोक्सिया। तो एनोक्सिया का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से बंद हो गई है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसको हम बोलेंगे एनोक्सिया। एन का मतलब है एब्सेंस एंड ऑक्सिया बेसिकली आपकी ऑक्सीजन के लिए यूज कर रहे हैं, तो एनोक्सिया का मतलब हो गया ऑक्सीजन की डेफिशियंसी। हाइपोक्सिया, हाइपो का मतलब होता है कम एंड ऑक्सिया भाई ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको हम बोल देंगे हाइपोक्सिया। एंड यहीं पर दो टर्म आपके होते हैं, एक होता है आपका हाइपो, एक होता है आपका हाइपर। तो अगर किसी भी चीज़ के कोई भी टर्म के आगे कोई भी सफिक्स अगर लगा हो, प्रीफिक्स बेसिकली अगर लगा हुआ है हाइपो, तो हाइपो का मतलब है कमी। किसी भी वर्ड के आगे आपका टर्म लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है हाइपर, तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी भी टर्म का मीनिंग क्या होगा। जैसे कि हाइपोक्सिया दी थी, तो हाइपो का मतलब होता है कमी, तो इस वजह से हाइपोक्सिया का मतलब हो गया ऑक्सीजन की कमी होना, एनोक्सिया का मतलब हो गया ऑक्सीजन की एब्सेंस होना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एस्फिक्सिया होता है उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस किस वजह से हो सकता है। तो एस्फिक्सिया होने का बेसिक तो सिंपल सा है, कोई भी मैकेनिकल या फिर वायलेंट चीज़ हो रही है, यानी कि कोई फाइटिंग हो रही है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है ए, कोई इंडिविजुअल है बी, अब ए की फाइटिंग हो गई बी से और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, तो ए ने बी को किल करना चाहा, उसके लिए बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि उसने जो बी है उसकी नेक को प्रेस करके उसको किल करने की कोशिश करी, तो उससे क्या हुआ कि जब नेक प्रेस हो रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो रही है। तो इस तरह की अगर कोई भी एस्फिक्सियल डेथ होती है तो इसको हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग। यहीं पर अगर हम कोई रोप का यूज़ करते हुए बी के नेक के अराउंड अगर वो कर रहा है, ऐसा कुछ टाइट कर रहा है उसके नेक को, तो वो भी चीज़ आपकी आती है मैकेनिकल में ही। या फिर जैसे हैंगिंग के केसेस होते हैं, वो भी चीज़ आपकी एस्फिक्सिया मैकेनिकल में ही आएगा। चोकिंग हो गया, स्मॉदरिंग हो गया, ड्राउनिंग हो गया, तो ये सारे के सारे आपके मैकेनिकल या फिर वायलेंट टर्म होते हैं, जहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करी जाती है मैकेनिकल मींस की थ्रू, या होती है थ्रू मैकेनिकल मींस, तो ये हो गया आपका मैकेनिकल या फिर वायलेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजिकल का मतलब है कोई भी आपकी क्लिनिकल चीज़ की वजह से, कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट की वजह से, या आपका जैसे कि जो लैरिंग्स होते हैं उसमें कोई आपका ओडिमा हो गया, कोई स्वेलिंग हो गई जिसकी वजह से एयर पैसेज जो है आपका वो ब्लॉक कर गया है, या फिर कोई स्पास्म बन गया है, ट्यूमर बन गया है, तो उस वजह से अगर कोई भी ऐसी कंडीशन बनती जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन का इनटेक नहीं हो पा रहा होता है, तो ये कंडीशन आपकी पैथोलॉजिकल हो गई, जहाँ पर आपका बॉडी के अंदर ही अंदर ऐसा कुछ बन रहा है जो कि पैथोलॉजी का पार्ट हो गया, तो इस तरह का आपका पैथोलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से आपकी एस्फिक्सियल डेथ हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक या फिर केमिकल, तो कोई केमिकल या फिर कोई टॉक्सिन, कोई पॉइजन का इनटेक आपने खुद से कर लिया या किसी इंडिविजुअल ने करवा दिया, तो उसकी वजह से भी आपका
जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने की जो टिश्यूज़ होते हैं, जो ब्लड होती है, उनकी जो एबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है एक तरह से, या फिर इंडिविजुअल जो रहता है वो ऑक्सीजन का इनटेक ही नहीं कर पा रहा होता है। तो ये सारी कंडीशन आपकी कोई भी टॉक्सिक या केमिकल या किसी पॉइजन की वजह से भी हो सकती हैं। इतनी चीज़ हो गई। इसके बाद में आपका जो अगली कंडीशन आती है वो होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि आपके जो सराउंडिंग है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वहीं पर कुछ ऐसी कंडीशन बनी हुई है जहाँ पर आप ऑक्सीजन को इनटेक ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि बहुत आप हाई अल्टीट्यूड पे हो तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो आपकी ऑक्सीजन इनटेक करने की कैपेसिटी कम हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल होता है कम। उसके अलावा अगर आपके सराउंडिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कोई भी सीवियर गैस वहाँ पर ज़्यादा है, कोई हीलियम गैस अवेलेबल है या कोई मेथेन मेथेन गैस अवेलेबल है जहाँ पर आपकी इन्वायरमेंट में ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो वो आपकी कंडीशन हो जाती है। अगर उस वजह से कोई डेथ हो रही है, एस्फिक्सियल डेथ हो रही है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा इन्वायरमेंटल केसेस हो गए। उसके अलावा ट्रॉमेटिक में क्या है, ट्रॉमेटिक में कोई भी ब्लंट ट्रॉमा है, थोरेक्स पे हो रहा है, थोरेक्स मतलब कि जो आपका नेक वाला पोर्शन होता है वहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर हीमोथोरैक्स या ऐसा कुछ अगर हो रहा है, ब्लंट ट्रॉमा हो रहा है थोरेक्स पे, तो वो केसेस भी आपके एस्फिक्सियल डेथ के कॉजेज हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रॉमेटिक, यानी कि ये आपका यहाँ पर कोई भी ब्लंट फोर्स के थ्रू जो आपका थोरेक्स वाला पोर्शन है वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि इम्बोलिज्म हो रहा है, मतलब इम्बोलिज्म का मतलब होता है कि ब्लड का क्लॉटिंग हो गया इंटरनल, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका ऑक्सीजन का इनटेक नहीं हो पा रहा है, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थी वो आपकी कंजेस्ट हो गई है, तो वो सारा हो गया ट्रॉमेटिक। नेक्स्ट है आपका आइट्रोजेनिक, ये बेसिकली आई होगा, लैट्रोजेनिक नहीं है, ये आइट्रोजेनिक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और उसकी बॉडी में कोई एनेस्थीसिया इंजेक्ट करना था, तो अगर वो जो एनेस्थीसिया दिया गया है उसकी क्वांटिटी अगर जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रॉपर जो ब्लड है या जो टिश्यूज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन को, तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको आइट्रोजेनिक कंडीशन बोलते हैं। और ये बेसिकली जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस कंडीशन में डॉक्टर्स की गलती की वजह से होता है, तो ये कंडीशन आपकी आइट्रोजेनिक हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब यहाँ पर ये जो आइट्रोजेनिक है, ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका क्या मीनिंग होता है, किससे रिलेटेड है, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि आइट्रोजेनिक एस्फिक्सियल डेथ से रिलेटेड होता है। आइट्रोजेनिक क्या है, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई डॉक्टर दे रहा है, कोई एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया हुआ है और अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस की वजह से कोई एस्फिक्सियल डेथ अगर हो रही है तो वो आपका कहलाएगा आइट्रोजेनिक कंडीशन, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं एस्फिक्सिया को कॉज करने के, ठीक है। ये कुछ हो गए आपके बेसिक। अभी इसमें थोड़ा सा हम एक एक करके डिटेल में जाएंगे, और उससे पहले आपके सामने ये एक इमेज हैंगिंग का, उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा कि आपके नेक के राउंड एक रोप के थ्रू या कोई भी ऐसा चीज़ आप लेके, दुपट्टा या साड़ी या ऐसा कुछ लेके उसमें नॉट लगाते हैं, एंड वो जो आपका जो भी रोप रहती है वो किसी ना किसी अपर पार्ट से, मतलब कोई भी ऊपर साइड में पंखा या किसी ऐसी चीज़ में और टाई रहता है, एंड देन आप उसमें हैंग कर जाते हो या कोई करवा देता है, तो ये आपकी कहलाती है हैंगिंग, ठीक है। अभी क्या होता है इसको डिटेल में मैं एक करके डिस्कस करेंगे, अभी रफली यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया क्या हो गया, आपके बैक में, आपके थोरेक्स वाले पार्ट पे या नेक पे कोई हैवी सा आपका पोर्शन आ गया, कुछ ब्लंट ट्रॉमा हो गया, तो वो हो गया आपका ट्रॉमेटिक, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप हाथ से गला दबा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। उसके अलावा अगर आपके नेक पे कोई रोप को टाई करके आपका उसमें टाइट करा जा रहा है उसको, तो उसको हम बोलेंगे लाइगेचर, ठीक है। उसके अलावा लाइगेचर के अलावा ये आपका जो रहता है, अगर हैंगिंग वाला केस है तो वहाँ पर इसको हैंगिंग भी बोलेंगे, मतलब अगर वो जो रोप है वो अगर ऊपर कहीं टाई है तो वो आपका हैंगिंग भी कहलाता है। बाकी अगर नॉर्मल आप इसको स्ट्रेच इसको रोप या उसे थ्रू टाइट कर रहे हो तो उसको हम लाइगेचर भी बोलते हैं।
उसके अलावा स्मूदनिंग का मतलब है आपका जो नोज़ है, आपका जो माउथ है उसको आपने क्लोज कर लिया तो वो आपका हो गया स्मूदनिंग। बाकी प्लास्टिक बैग के थ्रू कर रहे हो तो ये सारे आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं। मैकेनिकल एस्फिक्सिया का हो गया यहाँ पर आपके सामने, या आपका ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया हो गया, या आपका हो गया हैंगिंग। तो ये सारा कुछ है, रफली रफली समझिए। बाकी अब हम इसको डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम इसका सेपरेट वीडियो आएगा हर एक टॉपिक का, वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जहाँ पर जो आपका एस्फिक्सिया है इसकी पैथोफिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एस्फिक्सिया क्या है, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे समराइज फॉर्म में, एक आपके सामने एक ग्राफ है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। ऑक्सीजन टेंशन हो रही है, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, इसकी वजह से जो कैपिलरीज हैं वो डायलेट कर रही हैं, उसमें स्टॉपेज हो रहा है, ब्लड जो फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है वो रुक रहा है, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज हैं उसमें इंगॉर्जमेंट हो रहा है। इंगॉर्जमेंट का मतलब वो आपकी ब्लड रुक रहा है, ब्लड का फ्लो रुक रहा है, तो आपका जो ब्लड है कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा है, तो कैपिलरीज जो हैं वो आपकी डायलेट हो रही हैं, उसमें ब्लड जो है कलेक्ट हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लड ऑर्गन्स हैं उसमें भी आपको स्टेसिस देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वेनस ब्लड है जो कि रिटर्न आना चाहिए वो रिटर्न नहीं आ पा रहा है, और इसकी वजह से जो पल्मोनरी फ्लो है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल जो ब्लड का फ्लो है वो रुक रहा है, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से जो कॉज होने वाली कंडीशन है उसको हम बोलेंगे एस्फिक्सिया। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और बेसिक सी चीज़ों को डिस्कस करा है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको हाईलाइट करके बताती भी जा रही हूँ, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। बाकी जब लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप उससे पूरा रिवीजन के लिए आप इस पीडीएफ को रख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एस्फिक्सिया का बेसिक हमने डिस्कस कर लिया है, उम्मीद करते हुए समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी जो पीडीएफ है मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही आपको कि टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई डिस्कशन वगैरह करना है तो उसके लिए हमारे एक डिस्कशन ग्रुप है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर दूंगी आज ही, तो वहाँ से जाकर आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो, आप उसमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारी वेबसाइट लिखी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी अवेलेबल है, काफ़ी सारा यहाँ पर भी कंटेंट है, तो आप लोग हर जगह जहाँ चाहो वहाँ पे जुड़ सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे वहाँ पर। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।